कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभ सदा त्याए। ऐ वाहिगुरु तू साढ़े ते कृपा कर, सानू अपनी भगती विच जोड़ लै, असी सदा तेरा नाम जपते रहा करिए। सतगुर जी इस शब्द की आरंभता करते कृपा करते हैं, कीता लोड़ै सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा नाहीं कोए। वाहिगुरु जी जो तेनू चंगा लगता है उही कुछ इस जगत विच साड़ी लाइफ विच उही कुछ होता है जो तू चाहता है। तुझ बिन दूजा ना ही कोई, तेरे तो वड्डा कोई नहीं, तेरे वर्गा भी कोई नहीं। आखो सतनाम। जो जन सेवे तिस पूरन काज। ऐ वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, जिहड़ा भी मन ला के प्यार दे नाल तेनू सिमरदा है ना, तिस पूरन काज उहदे सारे कारज रास हुंदे ने। आखो सतनाम। दास अपने की रख लाज, क्योंकि तेरा सुभाअ है तू अपने दास दी नाम जपण वाले दी पैज इज्जत रखदा है। तेरी शरण पूरन दयाला सतगुर जी, ऐ दयावान मेहरबान ठाकुर जी, असी सारे तेरी शरण विच आए हाँ। तुझ बिन कवन करे प्रतपाला, तेरे बिना साडा कोई सहारा नहीं, तेरे तो बिना खाई साडा कोई होर आसरा नहीं। जल थल महियल रहया भरपूर सतगुर जी, पानी विच धरती विच आकाश विच हर पासे ओ परमात्मा ओ वाहिगुरु बस रहा है। आखो सतनाम। श्री निकट वसै नाहीं प्रभ दूर, कहिंदे उहनू दूर ना समझ, उह ते तेरे सदा अंग संग है, तेरे मन विच बैठा है। लोक पति यारै कछु ना पाईऐ, कहिंदे लोकां दी निगाह विच चंगा ना बण, इन्नी प्रापर्टी बना ली मैं, आह कम कर लिया मैं, आह कर लिया, कहिंदे चंगा बनना है ते रब दी निगाह विच बण। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। भगत फरीद जी तां इत्थों तक वी कहिंदे, जिन्नी कमी नाहीं गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा स्थिवही साहीं दै दरबार। कहिंदे ओह कम करन दा की फायदा है जिन्हों करन दे नाल रब विसर जावे, ओह कम करने ही छड्ड दिओ। कहिंदे ओह कम करन दा कोई फायदा नहीं जिन्हों करन दे नाल तू रब नू भुल जावे। कम कर पर रब नू ते याद रख। भगत फरीद जी कहिंदे जिन्नी कमी नाहे गुण, कहिंदे जिहड़ा कम्मां करके तैनूं कोई गुण नहीं प्राप्त हो सकता, तैनूं रब भुल जांदा है, वह कम करन दा फायदा की है। भाव वह औगण ना करिया कर जिन्हां दे कारण तैनूं रब भुल जावे, वह औगण करने छड्ड दे। ते सतगुरु जी शब्द विच कृपा कर रहे हैं, लोक पतियार है कछु ना पाईए, कहिंदे लोकां दी निगाह विच चंगा नहीं बनना, चंगा बनना है रब दी निगाह विच बनना। साच लगै ता हो मैं जाइए, जदों तेरे अंदर नाम वस गया ते कहिंदे तेरे अंदरों होमै भी खत्म हो जाएगी, होमै वाला रोग भी कटिया जाएगा। जिसनों लाए लए सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। ओही मनुख ओही जीव प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकता है, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਮਤ ਜਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਮਾੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬੈਡ ਥੋਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਧਿਆਏ,
गुरु की कृपा नाल ही गुरु का नाम जपया जा सकता है। दोहे कर जोड़ करो अरदास, तुद पावे ताणे रास। अरदास ते सारी दुनिया ही करती है, हाथ जोड़ के अरदास करते हैं ना। दोहे कर जोड़, दोहे हाथ जोड़ के अरदास सारे करते हैं। पर तुद पावे ता आवे आने रास, वही अरदास सफल होती है जो उन्हों चंगी लगती है। आप जमीन में बूटा ला दें, कोई पेड़ बीज दें, हमें फल लगेगा। पर आप बीज दिता है, फल लाना नहीं लाना वो परमात्मा के हाथ में है। इदा ही अरदास करते हाँ, दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे आने रास। अरदास ताही सबली हो सकती है वाहेगुरू जे तू कृपा करे। कर कृपा अपनी भगती लाए, साडी सारयां दी अरदास है वाहेगुरू सानू अपनी भगती विच जोड़ लै। जन नानक प्रभ सदा ध्याए, असी सदा तेरा नाम जपिया करिए, तेरे गुणा नूं गांदे रिहा करिए। सो सत